आज हम आए एक बहुत ही शानदार घर देखने, जो कि थ्री साइड ओपन है, कॉर्नर का घर है, बहुत ही शानदार व्यूज हैं फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा मिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप इसको खरीदने के लिए और विजिट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहले हम चलेंगे इसकी देखेंगे फ्रंट एलिवेशन को। देखिए फ्रेंड्स, इसकी फ्रंट एलिवेशन के ऊपर ग्लास का वर्क है, बहुत ही शानदार वुडन टाइलिंग का वर्क है और लाइट और डार्क ब्राउन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया। देखिए आप किसकी फ्रंट एलिवेशन फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे इस घर के अंदर। देखिए ये यहाँ पे ब्यूटीफुल पॉश दिया गया है। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉश। यहाँ पे हमारा कोटा स्टोन का अच्छा वर्क है। कोटा स्टोन हमेशा हैवी कामों के लिए, मान लो हम सिलेंडर इसके ऊपर पटक भी दें तब भी कुछ नहीं कहेगा। बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। और ये मतलब यहाँ पे एल शेप का जो आजकल का ड्राइंग रूम चल रहा है, इसी तरीके से एल शेप का ड्राइंग रूम है। यहाँ पे हमारा गार्डन दिया गया है। देखिए कितने शानदार व्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारी रेलिंग भी लगा रखी है, बहुत ही शानदार। और साथ में नीचे हमारा पार्क है, थ्री साइड्स ओपन घर। और देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे स्टोन का वर्क है, स्टोन टाइलिंग का वर्क है। ग्रे और ब्राउन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है विद वुडन टाइलिंग्स के। थी कि जो साइड का कोठी का मज़ा ही अलग है, कॉर्नर की कोठी का मज़ा अलग है। देखिए यहाँ पे हमारे पूरे ट्रीज़ भी लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। और यहाँ पे हमारा ये ड्राइंग रूम एरिया है, यहाँ पर हमारा लॉबी एरिया है, मतलब शानदार व्यूज़। और देखिए इसको देख लिए कितने अच्छे साइड व्यूज़ हैं। मतलब हम अपना घर का फंक्शन कर रहे हैं तो साइड में हमारा एक पार्क दिया गया है, बहुत ही शानदार। और ये जो फर्स्ट फ्लोर पे भी सीढ़ियाँ जा रही है, मतलब ये डुप्लेक्स स्टाइल होम है लेकिन स्टेयर्स बाहर से ही जा रही हैं। और ये देखिए जो हमारा डोर है, बहुत कुछ कह देता है। पूरा तकरीबन 3.5 फुट का चौड़ाई में डोर है, 8 फुट लंबा डोर, बहुत ही अच्छा शानदार टीक वुड का डोर विद गुड हैंडल। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोड अंशुल। सो लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है एक वाव फैक्टर। यहाँ देखिए वुडन का अच्छा पार्टीशन का वर्क है। यहाँ पे थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है लेकिन अच्छा मुझे लोकेशन लग रहा था। यहाँ पे हमेशा जब कॉर्नर का डिज़ाइन हम देख रहे हैं तो हमेशा हमें मतलब ना कमी नहीं रहेगी लाइटिंग की, क्योंकि हर जगह पे आप विंडोज लगा सकते हैं। अब देखिए ये लॉबी एरिया, यहाँ पे हमारी विंडो लगी हुई है प्रॉपर, और ऊपर अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है लेकिन विंडो का लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। और सिमिलरली ये हमारा लॉबी एरिया के साथ आ जाता है यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ पे भी ऊपर अच्छा फॉल सीलिंग का काम है लेकिन ये अच्छा ड्राइंग रूम विद जो कॉर्नर का कोठी का डिज़ाइन है, यहाँ पे खिड़कियों की कमी नहीं रहेगी। आप यहाँ पे सोफ़ा लगाएंगे तो एक अच्छा लुक दे रहा है, बहुत ही शानदार व्यूज़। और ऊपर जो अच्छा यहाँ पर फॉल सीलिंग का भी काम है वुडन का, देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग का काम किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखिए और साथ में ही आ जाते हैं हमारे बैक में किचन आ रही है। अब ये देखिए कितना अच्छा पार्टीशन किया गया है, MDF की कितनी अच्छा जाली का कट वर्क है, CNC जाली से काटा हुआ है। और प्रॉपर यहाँ पे भी देखिए वुडन पैनलिंग का काम है, तो एक किचन को हम पार्टीशन दे रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ में। और ये देखिए अब किचन के हम अंदर चलते हैं, ये देखिए अब आ गए हम किचन के अंदर। कितना ज़बरदस्त किचन है, यहाँ पे लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा वर्क है। यहाँ पे भी अच्छा पुले पुल हैंडल्स दिए गए हैं, ब्रांडेड फिटिंग है, सारे के सारे सॉफ्ट टच में है। और जो हमारी जो सिंक एरिया है वो बैक कोर्टयार्ड के साथ में खुलता है, तो बैक कोर्टयार्ड का हमेशा फ़ायदा रहता है, तो एक ओपन घर का अच्छा काम है। और चलेंगे हम इसके पिछले व्यूज़ को देखने। आपने देख लिया इसके किचन एरिया, अब ये बैक कोर्टयार्ड है, यहाँ पे भी हमारा गेट है, थ्री साइड ओपन कोठी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ के साथ में। आपने इसका बैक कोर्टयार्ड, अब चलेंगे हम फर्स्ट बेडरूम के अंदर।
ये देखिए आगे फ्रेंड्स, फर्स्ट बेडरूम के अंदर यहाँ पे भी हमारी विंडोज, मतलब एक कॉर्नर हाउस में विंडोज की कोई कमी नहीं, सनलाइट की कोई कमी नहीं, आप ये देखिए हमेशा। और आपको एक ओपन स्पेस भी मिलता है घर के अंदर, बहुत ही शानदार। अब यहाँ पे LED पैनल का डिजाइन है, इसी तरीके से दिया जाएगा। अच्छा फॉल सीलिंग का डिजाइन भी है, बहुत ही जबरदस्त व्यूज। और साथ में हमारा दिया गया है अटैच वॉशरूम, ये थोड़ा अभी से सेमी फिनिश है लेकिन अच्छा लुक है, मेरे को अच्छा लगा दिखाने के लिए तो दिखा रहा हूँ। अब साथ में ही आ जाता है हमारा एक अटैच वॉशरूम है, और ये फ्रंट एलिवेशन के साथ एक और रूम है, तो 2 बेडरूम नीचे हैं विद ड्राइंग डाइनिंग, बहुत ही शानदार, आप देखिए। इसका ग्राउंड फ्लोर, अब चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे नीचे भी एक फैमिली रह सकती है, फर्स्ट फ्लोर पर भी एक फैमिली रह सकती है, और ओपन एरियाज बहुत ज़्यादा हैं इस घर के अंदर। तो एक तो हमारी पार्किंग की कोई इश्यूज नहीं रहता, और बच्चे खेलने का कोई इश्यूज नहीं रहता। और यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का अच्छा सुंदर वर्क किया गया है विद स्टील रेलिंग। स्टील रेलिंग का ये फायदा रहता है कि आपको फ्यूचर में कभी इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं चलेगी। अब चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कितना शानदार व्यूज हैं, और साथ में यहाँ पे स्टील रेलिंग का अच्छा वर्क है विद ग्लास, तो मेंटेनेंस फ्री रहेगा फ्यूचर में। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको घर का, देखिए ये कॉर्नर की एक बालकनी मिलती है, ये कहीं और नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ एक जो कॉर्नर का घर होगा उसी में मिलेगी, बहुत ही शानदार व्यूज। आप देखिए इसकी लॉबी एरिया को, देख लिए हैं इसके लॉबी एरिया डिजाइन। अब चलेंगे इस घर के अंदर, यहाँ पे भी 2 बेडरूम्स हैं और एक किचन दी गई है, बहुत ही शानदार व्यूज हैं। अब ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया, बहुत ही जबरदस्त ड्राइंग रूम है, यहाँ पे भी विंडोज की कोई कमी नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि विंडोज की कोई कमी नहीं रहती जब हम एक कॉर्नर हाउस की बात करें। देखिए विंडोज विद वायर मैश, यहाँ पे भी अच्छी स्टील रेलिंग का वर्क, आप देखिए। अब फर्स्ट बेडरूम के साथ भी हमारा यहाँ पे आ जाती है किचन, यहाँ पे देखिए सिंक लगी हुई है, यहाँ पे भी विंडोज़ हैं, विंडोज़ की कोई कमी नहीं है, और साथ में अच्छी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, आप देखिए। बहुत ही खुला डिल्ला घर लग रहा है, 150 गज के आसपास की जगह, लेकिन खुला डिल्ला लग रहा है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे हमारा एक बैक कोर्टयार्ड दिया गया है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखिए कितना शानदार है। यहाँ पे हम ओपन स्पेस का काम कर रहे हैं, आप देखिए इसके व्यूज को। देख लिया इसका फर्स्ट बेडरूम और किचन, अब सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। देखिए अब आगे हम सेकंड बेडरूम, कितना खुला डिल्ला बेडरूम है। अब यहाँ पे हमारे वार्डरोब दिए गए, जब आपका रूम थोड़ा छोटा होना, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब छोटा रूम हो तो आप वार्डरोब इस तरीके से बना सकते हैं, साइडों में वार्डरोब हो जाएंगे, यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, अच्छा काम किया गया है बेड के नीचे, प्रॉपर एरियाज आ जाएंगे, मतलब ये शानदार व्यूज देगा। और ये जो वार्डरोब है ये हमेशा डेप्थ तक बनाए कि आपको हैंगर जब टांगे तो आपने पूरा का पूरा हैंगर मतलब टेढ़ा ना हो, सीधा रहे, तो कोट कूट टांगने में ठीक रहता है। आप देखिए इसके व्यूज को।
इसके साथ ही आ जाता है हमारा अटैच, ये थोड़ा सा ड्रेसिंग एरिया बना दिया है और साथ में अटैच वॉशरूम है, सेम डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन का अच्छा वर्क है, देखिए। कॉर्नर डिज़ाइन, हाउस डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा, ये फर्स्ट फ्लोर पे भी है, ग्राउंड फ्लोर पर भी किचन दे रखी है, टू बेडरूम्स के साथ बहुत ही शानदार लुक्स लगे। फ्रेंड्स अगर जो आपने इसको विजिट करना है फिजिकली तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।